हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है शराबबंदी आंदोलन से जुड़ी हुई पूनम छाबड़ा जी, पूनम अंकुर छाबड़ा जी। पूनम जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही है? जी जी। पूनम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी के इस कार्यक्रम में। पूनम जी, आपने भी पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, क्या चाहती है? जिस तरह से पूरे देश में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है और जिसके बाद जो आप देख रहे हैं हालात किस तरह से बेकाबू हो गए, लोग सड़कों पर ऐसे लगे हुए हैं, इस तरह शायद राशन लेने के लिए भी लोग नहीं उतरते सड़कों पर। जी, मैं यही कहना चाहूंगी इस बात पे कि सबसे पहले तो आज आपको पता है कि जो समय चल रहा है कोरोना महामारी के समय पे, लोगों ने राज्य सरकार का तथा भारत सरकार का हर निर्देश पालन किया है। आज 45 दिनों तक लोगों ने शराब को हाथ नहीं लगाया, लोगों ने ये बता दिया कि हम शराब के बिना रह सकते हैं। आज सबसे मेजर जो धज्जियां उड़ रही है शराब की दुकानों को खोलकर, सरकार ने ये बता दिया है कि वो लोग शराब की कमाई के बिना नहीं रह सकते हैं। 45 दिन तक लोगों ने शराब नहीं पी और लोगों के घर में खुशियों का माहौल था कि अगर उनके घर में कोई सदस्य शराब पी रहा है तो वो छोड़ने की कगार पर पहुंच गया है, लेकिन आज दुकानें खोलकर सरकार ने उनकी खुशियां छीन ली है। नीरज जी, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस समय पर, कोरोना महामारी के समय पर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है, नशे का सेवन करता है, तो उसकी मौत भी हो सकती है। इस रिपोर्ट को भी राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने पूरी तरीके से अनदेखा किया है और मुझे बहुत दुख हो रहा है उनके इस फैसले का कि इनके हर फैसले को पूरे देश की जनता ने दिल से स्वागत किया है, लेकिन दुकानों को खोलकर उन्होंने हर महिला और बच्चे की खुशी को छीन लिया है कि अगर उनके घर का व्यक्ति फिर से शराब पीने की ओर चला जाएगा तो उनके घर में जो सेविंग है, इस समय पर उन लोगों ने जो सेविंग करके रखी थी अपने भरण पोषण करने के लिए, वो उनकी सेविंग्स भी चली जाएंगी। और निर्धन परिवार जो है आज के समय पर, जो किसी NGO पे डिपेंडेंट है, तो वो वहां पर कोई ना कोई चोरी करेगा, कोई ना कोई अपराध को अंजाम देगा। तो ये बहुत ही दुखद बात है। मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ इस चीज से और मैं कड़े शब्दों में राज्य सरकार का और भारत सरकार के इस फैसले का विरोध करती हूँ। पूनम जी, आपको लगता है घरेलू हिंसा भी बढ़ जाएगी, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ जाएंगे और दूसरे अन्य अपराध बढ़ने की संभावना भी ज्यादा हो गई है? जी बिल्कुल नीरज जी, इससे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि आप देखिए कि एक महिला आज हर सदस्य का ध्यान रख रही है अपने घर में, और शराबी अगर शराब पीकर घर में आता है तो वो घर में उसके साथ में मानसिक प्रताड़ना भी करेगा और घरेलू हिंसा को भी बढ़ावा देगा। एक महिला जो आज पूरे परिवार को बांध कर बैठी है, वो घर के कार्य भी कर रही है और कुछ महिलाएं घर से बाहर जाकर ड्यूटी भी कर रही है, तो आप सोचिए उनके पास तो कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं है, वो अकेले ही सारा कार्य कर रही है, तो कैसे नहीं उनके ऊपर मानसिक प्रताड़ना पड़ेगी, कैसे नहीं उनके साथ में घरेलू हिंसा उनको शिकार होना पड़ेगा। ये बेहद दुखद बात है कि महिलाओं के साथ में इतना अच्छा अभी तक होता आया, 45 दिन तक वो इतनी खुश थी, इतना उनका खुशहाल परिवार हो चुका था कि वो भारत सरकार का और राज्य सरकार का धन्यवाद करते नहीं थक रही थी, लेकिन आज बेहद दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो ये महिलाएं और बच्चे सरकार को और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को गालियां दे रहे हैं कि उन्होंने उनकी खुशियां छीन ली है। पूनम जी, आप क्या चाहती हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से क्या मांग करती है? क्या बंद हो जाएं ठेके वापस तुरंत, क्योंकि जिस तरह कोरोना का खतरा बढ़ गया है? मैं यही चाहूंगी कि ठेके बंद हो जाएं, क्योंकि आप ये देखिए कि आज कोरोना महामारी के समय सबसे बड़ा जो नियम लागू किया गया था, वो नियम लागू किया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने। अगर आज एक व्यक्ति लाइन लगाकर एक ठेके के बाहर खड़ा है और उस लाइन में 1000 लोग खड़े हुए हैं, तो आप ये समझिए कि एक व्यक्ति अगर उसमें से कोरोना पॉजिटिव है तो वो 1000 व्यक्तियों को कोरोना से पॉजिटिव कर देगा, और वो 1000 व्यक्ति जब अपने घर में जाएंगे तो एक परिवार के अंदर 4 से 5 सदस्य होते हैं, यानी कि आप ये सोचिए कि 1000 व्यक्ति अगर अपने घर में जाते हैं तो 4 से 5 व्यक्ति घर के अंदर हैं, तो वो उनको भी इन्फेक्टेड करेगा, संक्रमित करेगा। ये तो पूरी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है मानवता के खिलाफ। अगर मानवता को हमने इतने समय तक बचाने का प्रयास किया राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने, तो इस समय उनको बिल्कुल ही शराब के ठेके बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो नियम बनाया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, इसकी तो पालना बिल्कुल ही नहीं हो रही है। आप देखिए जगह जगह पे लोग कैसे उमड़ रहे हैं, बिना 1 मीटर की दूरी के खड़े हैं, आसपास खड़े हुए हैं, कितनी बिल्कुल। पूनम जी, आपने सही कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जोड़ी, आपका कहना है कि पूरे देश में शराब के ठेकों को बंद कर देना चाहिए। जो मेहनत भारत सरकार के द्वारा
राजस्थान सरकार के द्वारा या तमाम जो राज्य सरकारें उनके द्वारा और जनता के द्वारा सहयोग देकर की गई है, उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरने की संभावना है, इससे संक्रामक संक्रमण बढ़ने की संभावना है।